शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि भाई देखो मुझे घाव हो गया है, इस घाव को जो पी लेगा वो तो मर जाएगा लेकिन मैं बच जाऊंगा। कोई नहीं आया, सारे शिष्य किनारे हो गए। शिवाजी को आवाज दी गई, शिवाजी भागे हुए आए, कहा कि गुरुदेव कहाँ है फोड़ा? वहाँ तो उन्होंने चुपके से आम दबा रखा था लेकिन किसी को पता नहीं था। शिवाजी मना करते करते फोड़े का था वहाँ कपड़ा बांध रखा था, वो चूसने लगे। और वो तो क्या था, वो तो शिष्यों के सामने परीक्षा लेनी थी। सारे शिष्यों ने देखा कि हम तो दिन रात भले ही पांव दबाते हों, जब परीक्षा के समय आया तो सारे भाग गए, शिवाजी उस परीक्षा में पास हुए। उसके बाद समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा मेरा आदेश है, जाओ सिंघनी का दूध लाओ। सिंघनी का दूध दुहना कितना कठिन होता है, सीधे मृत्यु को निमंत्रण देना होता है। आजकल के देश के बहादुर तो गाय का भी दूध नहीं दुह पाते, वो इतने बहादुर हैं कि गाय लात मार देगी। उस छत्रपति शिवाजी सिंघनी के पास जाकर कहते हैं कि माता गुरुदेव ने दूध मंगाया है और मुझे तुम्हारा दूध दुहना है। अपने पैर उठाकर लेट जाती हैं और सिंघनी का दूध आसानी से दुह लेते हैं। आखिर जिसने भेजा है कुछ समझ करके तो भेजा है, ऐसा थोड़े समर्थ गुरु भेजेगा कि जाओ मौत के मुँह में चले जाओ। लेकिन आस्था होती है,